सेवा ई रिक्शा यूनियन लखनऊ मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से आज सौंपा गया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्यों है वो नाराज लहरपुर उप जिलाधिकारी से। जब परमिट नहीं बनता तो रोड क्लियर नहीं हो सकता, और साहब ने क्या काम किया है, किलोमीटर तय कर दिया है। इसकी वजह से सर आए दिन रिक्शा वालों को बस वाले मारते हैं, ये हैं इन लोगों से 50 रुपये ज़बरदस्ती मतलब पैसे भी वसूले जाते हैं। इस तरीके की कई घटनाएं लहरपुर में और तंबौर में रेवसा मोड़ पे आ रही हैं, लेकिन उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, ज्ञापन भी दिया था, वो ज्ञापन आपके ऑफिस तक अधिकारी महोदय ने एक आदेश पारित किया है, उसमें ये लिखा है कि जो रिक्शा चालक हैं वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक चलेंगे। लहरपुर तहसील ही नहीं, उन्होंने लखीमपुर, बिसवा, तंबौर, सकरन, सिधौली, महमूदाबाद सभी सीतापुर जनपद को छोड़कर के लखीमपुर जनपद का भी उन्होंने आदेश पारित कर दिया है कि रिक्शा चालक 5 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे। इसके ऊपर जो चलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उस आदेश की वजह से बस यूनियन वाले रिक्शा वालों को मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं। कई मामले लहरपुर में आए हैं और प्रशासन ने संज्ञान भी लिया, लेकिन विशेष रूप से कोई उसका प्रतिफल नहीं मिला है। और मैं चाहता हूं कि उस आदेश को तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय निरस्त करें, और उप जिलाधिकारी महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसकी भी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यूनियन को ये आशंका है कि बस यूनियन वालों की मिली भगत की वजह से ही ये आदेश पारित किया गया है। तो इसको लेकर आपने उप जिलाधिकारी लहरपुर से कोई वार्ता की? एक प्रदर्शन भी किए थे, उनको ज्ञापन भी दिया गया था, वो उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भेजा गया था। तहसीलदार साहब आए थे उस ज्ञापन को लेने की, लेकिन मेरे उस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा ही नहीं। इस वजह से आज हम लोग यहाँ आए हैं। यदि हमारी समस्या का निदान 19 तारीख तक नहीं होता है तो हम लोग 20 दिसंबर को सब लोग लहरपुर गेट पर इकट्ठा होकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि लहरपुर में जो बसें चलती वो जर्जर हालत में हैं। उन बसों की वजहों से काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी लोगों की जान चली गई। एक आपको पता होगा बिस्वा जा रही थी बस, वो नहर में चली गई थी, कई बसें पेड़ों से टकरा गई, तो लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं रह गया। इस तरीके की ये तमाम घटनाएं हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। जो जर्जर बसें चलती हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की को दृष्टिकोण में रखते हुए मानक के आधार पर बसें चलवाई जाएं, जिससे लोगों की जान सुरक्षित हो सके। आपका नाम? अजीत वर्मा, मैं ई रिक्शा यूनियन का महामंत्री।